हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये देखिए, पूड़ी हमारी बिल्कुल ही परफेक्टली फुली फुली बन रही है। और इसी तरीके से आप भी अपने घर में आटे को सिर्फ पानी डाल के गूंदेंगे तो आपकी भी पूड़ी बिल्कुल ही इसी तरीके से फुली फुली बनेगी। हमने इस पूड़ी को बनाने के लिए आटा लगाते समय घी तेल किसी का भी यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए, पूड़ी हमारी कितनी अच्छी और फूली फूली बनी है और ये खाने में खस्ता और स्वादिष्ट होता है। इस तरीके से पूड़ी अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपकी पूड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट और फूली फूली बनेगी, जिससे आपके घर वाले के साथ साथ मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए इस पूड़ी को कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पूड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बर्तन। हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। और ये देखिए, आटा हमारा थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा हाथों पे लेने से दाने दाने बनते हैं। हमें ऐसा ही आटा लेना है। अगर आपका आटा बारीक हो तो आप इसमें 1 चम्मच सूजी या रवा भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ मैं आटे में फ्लेवर के लिए अजवाइन डाल रही हूँ। आपको अजवाइन पसंद हो पूड़ी में तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन डालने से पूड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इस पूड़ी को प्लेन भी खा सकते हैं। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक डालने से पूड़ी हमारी थोड़ी सी नमकीन और स्वादिष्ट बनेगी। इसमें नमक और अजवाइन डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और अब हम आटे में नमक और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें तेल घी किसी का भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। और चलिए अब हम आटे को पानी लगा करके इसे गूंद लेते हैं। आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को हल्के हाथों से हम इसी तरह मिक्स करेंगे। हमें इसे स्टार्टिंग में इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिक्स करना है। आटा को हम इसी तरीके से मिला लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे, हमें इसे गूंदना नहीं है। और ये देखिए, इस तरीके से अगर आप आटे को हल्के हाथों से पानी मिला के गूंदेंगे तो आपका पूड़ी बिना मोम डाले भी बिल्कुल ही खस्ता और परफेक्ट बनेगा। पूड़ी का आटा लगाते समय हम इसे मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हुए इसे थोड़ा सा कड़क ही गूंदेंगे, जिससे पूड़ी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट या फुला फुला बनेगा। और ये देखिए, हल्के हाथों से गूंदते हुए यहाँ मैंने पूड़ी के आटे का डो लगा लिया है। और अब हम डो को ढक कर 10 से 12 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। पूड़ी के आटे को रेस्ट पे रखे हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं। और अब हम पूड़ी के आटे को चेक कर लेंगे। और ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम आटे को एक बार और हाथ से गूंदते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, आटा हमारा चिकना हो गया है। और अब हम इसके पूड़ी बनाने के लिए छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। अगर आपका लोई बड़ा हो तो आप इसे इस तरीके से बड़ा भी तोड़ सकते हैं, जिससे आप पूड़ी बनाते समय पूड़ी के लोई को 2 भाग में बांट करके इसे इक्वल छोटे साइज में बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे लोई को तोड़ लिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा करके हम लोई को एक बार फिर से अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा लोई आपस में चिपक गया था। और सूखा आटा लगा करके हम इसे इस तरीके से बॉल को मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आटा डालने से लोई हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट अलग अलग हो गया है। और अब हम चलिए पूड़ी बनाने के लिए एक चकला लेंगे और एक थाली लेंगे। चकले के ऊपर लोई डालकर हम इसे इस तरह गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। और बेलन से हल्के हाथों से इसे दबाते हुए बेल लेंगे। और बेलते हुए हम इसे पूड़ी का आकार देंगे। और ये देखिए पूड़ी हमारा बनके तैयार हो गया है। हम इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरीके से
बाकी लोई के भी हम पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी को हमें ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है, क्योंकि पतला बेलने पे पूड़ी फूलेगा नहीं और मोटा बेलने पे पूड़ी हमारा अच्छे से पकेगा नहीं। आप पूड़ी बेलते समय तेल या सूखा आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पूड़ी बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पे गर्म होने देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल रखा था और ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। और अब हम इसमें एक एक करके पूड़ी डालेंगे। पूड़ी डालते समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम पूड़ी को अच्छे से फ्राई होने के लिए इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाते जाएंगे, जिससे पूड़ी हमारा बिल्कुल ही फूली फूली बनेगी। और ये देखिए पूड़ी हमारा फूल गया है। और अब हम इसे पलट करके दूसरे साइड से भी इसे हल्के हाथों से दबाते हुए गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक हम इसे पलटते हुए फ्राई करेंगे। और ये देखिए पूड़ी में सुनहरा कलर आ गया है। पूड़ी को पलटते हुए हम इसे दूसरी तरफ से भी सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए पूड़ी को अब हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से दूसरे पूड़ी को डाल करके हम इसे भी फ्राई कर लेंगे और इसे भी सुनहरा कलर आने तक हम इसे पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, जिससे पूड़ी हमारा बिल्कुल ही खस्ता और टेस्टी बनेगा। और ये देखिए दोस्तों पूड़ी में हमारा कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है। और सेम तरीके से हम एक एक करके सारे पूड़ी को डालते जाएंगे और स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पूड़ी बनाते समय हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग में एक से दो पूड़ी ना फूले, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर हो सकता है कि आपका कम हो। और आप इसे अच्छे से ऑयल को गर्म करें और फिर पूड़ी बनाएं। आपके घर में भी पूड़ी बिल्कुल ही परफेक्टली फुली फुली और टेस्टी बनेगा। और ये देखिए दोस्तों पूड़ी को यहाँ मैंने कम तेल में फ्राई किया है, फिर भी हमारी पूड़ी बिल्कुल ही बैलून जैसी फुली फुली बन रही है। आप भी इसे घर में इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। आप इस तरीके से एक बार पूड़ी ज़रूर बनाएं, आपकी पूड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट और फुली फुली बनेगी। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए यहाँ मैंने सारे पूड़ी को बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। यहाँ मैंने पूड़ी को चने और आलू की सब्जी के साथ सर्व किया है। और ये देखिए पूड़ी हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट और फूला फूला बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से पूड़ी बनाएंगे तो बच्चे बिना भूख लगे भी 4 से 5 पूड़ी इजीली खा जाएंगे। इस तरीके से पूड़ी घर पे बनाएंगे तो आपके साथ आपके मेहमान को भी ये बहुत पसंद आएगा। और चने और आलू की सब्जी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले नए रेसिपी में।